एसपी साहब भी बोले भ्रष्टाचार जो है और डीएम साहब भी बोले, तो हमने डीएम साहब को चुनौती दिया कि 3600 आंगनबाड़ी केंद्र है और 3500 आंगनबाड़ी केंद्र से 2000 से लेकर 1500 रुपए की वसूली होती है। 2000 से लेकर नहीं, लालू के शासन के बाद क्या बिहार में कानून व्यवस्था तो सही है कि नहीं है इस समय? ठीक था 10 साल तक, लेकिन पुनः 5 साल से इतना गड़बड़ हो गया है इस पीरियड में कि बिल्कुल शासन व्यवस्था जो है चरमरा गया है बिहार का। अब तो सुशासन बाबू बीजेपी के साथ है, बीजेपी तो राष्ट्रवादी पार्टी है, केवल गद्दी बरकरार रखने के लिए अपना बीजेपी के साथ हो गए। इनको अब कोई बिहार से मतलब नहीं है, इनको जो है बिहार से यदि मतलब रहता तो निश्चित रूप से ये भ्रष्टाचार के जो श्रृंखले चल रहे हैं इन पर ये नियंत्रण करते। जैसे शिक्षा है, शिक्षा बिल्कुल बिहार का चरमरा गया, बिल्कुल जो है चरमरा गया, जिसको बहुत से ऐसे विद्यालय में शिक्षक हैं जिनको पहाड़ा भी नहीं आता है, गिनती भी शुद्ध नहीं आता, और ऐसे शिक्षक लोग हैं जिनको कुछ नहीं समझ में आता है, और पैरवी से उनका जो पंचायत शिक्षक हुए और से शिक्षक का स्तर इतना नीचा गिरा है। नहीं, बिहार में नीतीश कुमार तो कहते बिहार बाहर नीतीश कुमार है। वो तो प्रशांत जी जो 14 में मोदी जी को भी बनवा दिए, और इसके बाद प्रशांत किशोर का ही था, वो जहाँ गए उसको बढ़ा निश्चित। तो उनका एक गाना उछला कि बिहार में नीतीश जी है तो बाहर है, लेकिन बिल्कुल जो है बिहार नीचे की तरफ अब जा रहा है। उसका क्राइम पर देखिए, आप बताइए बिहार तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखिए आज बिहार की जनता करा रही है, पूरा बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त है। ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जी ने जयप्रकाश जी के उस पूरे आंदोलन को ध्वस्त कर दिया। अगर आज शायद जयप्रकाश जी होते तो बेचैन हो जाते, या स्वर्ग में कहीं उनकी आत्मा होगी तो वो भी बेचैन कराहती होगी कि क्या इन्हीं दिनों के लिए ऐसे चेले को उत्पन्न किए थे। जो इस क्रांति के कोख से निकले नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने जयप्रकाश नारायण जी के सारे आदर्शों को मिट्टी में मिला देने का काम किया है। आज बिहार में गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो इतना खत्म हो चुकी है, रोज हत्या हो रही है। तो आपकी पार्टी रोज छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। तो आप लोग कोई प्रदर्शन वगैरह करते हैं, विरोध करते हैं सरकार के खिलाफ? मैं आपको बताऊंगा संजीव जी, तो आपको आश्चर्य होगा कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जो केवल बिहार ही नहीं पूरा देश को दुनिया में कलंकित किया, 7 साल से 14 साल की बच्चियों के साथ नशे की सुई दे करके उसके साथ व्यभिचार होता था, और वो जो मामला टीस के रिपोर्ट से जब उजागर हुआ उसमें नीतीश कुमार सरकार के एक मंत्री मंजू वर्मा को इस्तीफा करना पड़ा, और जब नीतीश कुमार जी को जब बिहार की जनता ने एक जनादेश दिया था तेजस्वी के साथ, उस जब सरकार से नीतीश कुमार हटे तब उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव सीबीआई जांच के दायरे में आ गए थे और मैं उनको इस्तीफे के लिए दबाव बना रहा था, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो मजबूर होकर के मुझे स्वयं इस्तीफा करना पड़ा, और नई सरकार हमने भाजपा के साथ बनाई है, मैंने अंतरात्मा की आवाज सुनी। और जब मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की जांच कर रही सीबीआई कोर्ट ने, यही साकेत कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इस बालिका गृह कांड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जांच के दायरे में आ गए, तब हम लोगों ने कहा कि आप इस्तीफा करिए, जांच का सामना करिए।